What's your name? My name is Yashasvi Dole. Your name? My name is Tejasvi Borse. Okay, and your name? My name is Nedik Bhalla. Okay, so we have three extraordinary students, Yashasvi, Tejasvi and Nedik. And let's see how they are going to translate. So are you three ready to translate? Yes, sir. Really? Yes, sir. Okay, hum class mein hain? We are in class. We are in the class. Hum English seekh rahe hain? We are learning English. Let me know, we are learning English, kaun sa dance hai? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जो जल्दी आंसर देगा उसको हमारी पब्लिक हमारी ऑडियंस वोट देगी. ऑडियंस आप लोग सब देंगे ना वोट? यस. जो अच्छा बोलेगा उसी को वोट मिलेगा बेटा. इन द एंड एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू गिव अवर 100%. यू गॉट इट? यस. ओके, मैं तैयार हूँ. वेरी गुड. मैं दो दिन से तैयार हूँ. आई हैव बीन रेडी फॉर टू डेज. आपने भी सही बोला यशस्वी. ओके, मैं बिजी हूँ. मैं बिजी नहीं हूँ. वहां मत जाइए. क्या आप रवि को जानते हैं? यस, मैं रवि को जानता हूँ. लेट मी कंप्लीट माई सेंटेंस. हाँ, मैं रवि को जानता हूँ. लेट मी कंप्लीट माई सेंटेंस. हाँ, मैं रवि को जानता हूँ. वो मेरा क्लासमेट है. यस आई नो रवि, ही इज माई क्लासमेट. वो एक समझदार लड़का है. He is an intelligent boy. He is a sensible boy. वो सबकी मदद करता है. He helps all. What do you say? He helps all. वो सबकी मदद करता है सिवाय मेरे. He helps all except me. But me. But या except दोनों लगा सकते हो आप. क्या रवि आपकी मदद करता है? Does रवि help you? हाँ भाई, मेरी तो वो मदद करता है क्योंकि वो मेरा दोस्त है. Yes, he helps me because he is my friend. सोचो और बोलो. Think and speak. पहले सोचो फिर बोलो. First think then speak. And speak in my एक बच्चे. ओके, तुम्हें वहां जाना चाहिए. You should go there. तुम्हें वहां जाने की जरूरत है. You should go there. तुम अभी कहाँ हो? मैं अभी कोचिंग में हूँ. मेरा कोचिंग खंडवा में है. ओके, मैं रोज कोचिंग जाता हूँ. आई गो टू कोचिंग डेली. मुझे कोचिंग जाना पसंद है. नैतिक, लेट मी नो इन विच क्लास डू यू स्टडी? आई स्टडी इन सिक्स्थ क्लास. ओके, नैतिक स्टडीज इन सिक्स्थ स्टैंडर्ड. यशस्वी, इन विच क्लास डू यू स्टडी? आई एम सर तेजस्वी. ओह सॉरी, माय मिस्टेक. ओके, तेजस्वी, यू स्टडी इन क्लास फिफ्थ? I studied in fourth class. Okay, so we have a student. She is from fourth standard. She is from fifth standard, and he is from sixth standard. So fourth, fifth, and sixth. And I'm from seventh standard. Okay, so here fourth, fifth, sixth, and seventh class students are standing before you, and let's see how they are going to translate. So there is a rapid fire round right now. Yes, sir. Are you ready to translate fast? Yes. चलो, ready everyone? Yes, sir. अब second phase. अभी जो कर रहे थे अपन, वो धीरे वाला था. अब हमको दिखाना है कि हम कितने खतरनाक है. रेडी? रेडी? यस सर. रेडी? यस सर. ओके, मैं तैयार हूँ. आई एम रेडी. मैं तैयार था. आई एम रेडी. मैं जा रहा हूँ. मैं जाऊंगा. मैं जाता हूँ. तीनों गलत. मैं जाता हूँ. आई गो कौन सा डांस है? प्रेजेंट सिंपल. नजर अड़ी, दुर्घटना घटी, तुरंत बोलना है. मुझे बोलने की जरूरत है? आई नीड टू स्पीक. मुझे पढ़ाई करने की जरूरत है. आई नीड टू स्टडी. आप कहाँ हो? क्या आप अहमद भैया को जानते हो? हाँ, मैं अहमद भैया को जानता हूँ. अहमद भैया बिहार से आए इंग्लिश सीखने के लिए. देखो, अहमद भैया बिहार से आए इंग्लिश सीखने के लिए. अहमद भैया हैज कम फ्रॉम बिहार टू लर्न इंग्लिश. देखो सेंटेंस को देखो. अहमद भैया हैज कम फ्रॉम बिहार टू लर्न इंग्लिश. टू लर्न इंग्लिश टू इन्फिनिटिव है, जो लास्ट में लगता है. समझे कि नहीं? जैसे मैं यहाँ हूँ. मैं आऊं इंग्लिश सीखने के लिए. आई एम हियर टू लर्न इंग्लिश. आई एम हियर टू लर्न इंग्लिश. मैं आऊं इंग्लिश बोलने के लिए. आई एम हियर टू स्पीक इंग्लिश. मैं आऊं आपकी मदद करने के लिए. आई एम हियर टू हेल्प यू. वहां जाओ, जाओ, बोलो, सीखो, मत सीखो, वहां मत जाओ. वहां जाना चाहिए. क्या तुम वहां जाओगे? क्या तुमने मुझे देखा? Did you see me? क्या तुमने मुझे वहां जाते हुए देखा? Did you see me going there? क्या बोलेंगे? Did you see me going there? मैंने तुम्हें नहीं देखा. I did not see you. I didn't see you.
आई डिडंट सी यू, मैंने नहीं बोला, मैं बोलूंगा, मैं बोलना चाहता हूँ. क्या आप रणवीर को जानते हो? रणवीर एक अच्छा लड़का है. रणवीर रोज पढ़ाई करता है. रणवीर कभी कभी कोचिंग नहीं आता है. समटाइम्स रणवीर डज नॉट कम कोचिंग. रणवीर को रोज कोचिंग आना चाहिए. ओके, आप कहाँ हो? बेटा को रेस नहीं हो रही है, आराम से ट्रांसलेट करेंगे, अच्छे से करेंगे ना. आप कहाँ हो? आपका घर कहाँ है? वेयर इज योर होम? ओके, मेरा घर मार्केट में है. माय होम इज मार्केट. ओके, मेरा घर यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है. माय होम इज फार, 5 किलोमीटर फार. 5 किलोमीटर फार. मेरा घर यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है. 2 किलोमीटर. माय हाउस इज, माय होम इज फार फ्रॉम हियर. माय हाउस इज 2 किलोमीटर फार फ्रॉम हियर. फार फ्रॉम हियर. ओके, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ. आई लर्न इंग्लिश. मैं इंग्लिश सीखता हूँ. आई लर्न इंग्लिश. ओके, मुझे इंग्लिश सीखना पसंद है. I like to learn English. Okay, मुझे English बोलना पसंद है. I like to speak English. I like to speak English. मैं English बोल सकता हूँ. I can speak English. Okay, मेरे पास समय है. I have time. Okay, अब मैं जो sentence पूछूंगा उनकी शुरुआत होगी helping verb से, है ना? और हिंदी में किससे बनेंगे वो? Obviously क्या से बनेंगे. Okay, क्या आप busy हैं? Are you busy? क्या आप जा रहे हैं? Are you going? क्या आप वहाँ जा सकते हैं? Are you going? क्या आप सुजुका को पहचानते हैं? Do you know सुजुका? सर मेरा नाम सुजुका नहीं है. सर माय नेम इज नॉट सुजुका. मेरा नाम नोबिता है. माय नेम इज नोबिता. क्या तुम नोबिता हो? नहीं सर, मैं सुजुका हूँ. सुजुका कौन है? सुजुका नोबिता की क्लासमेट है. सुजुका इज नोबिता'स क्लासमेट. नोबिता में स्टॉप एस लगेगा. एक बार फिर से बोलो. सुजुका इज नोबिता'स क्लासमेट. ओके, हमें इंग्लिश सीखनी चाहिए. वी शुड लर्न इंग्लिश. हमें पढ़ाई करनी चाहिए. वी शुड स्टडी. हम पढ़ाई करते हैं. वी स्टडी. वाओ, मुझे पढ़ाई करना पसंद है. आई लाइक टू स्टडी. मुझे इंग्लिश सीखना पसंद है. आई लाइक टू लर्न इंग्लिश. वह कौन है? वो अंकिता दीदी है. वो हमारी क्लासमेट नहीं है. वो सीनियर स्टूडेंट है. क्या वो आपसे अच्छा बोलती है? Does she speak better than you? हाँ, मुझे लगता है वो आपसे अच्छा बोलती है. She speaks better than you. नहीं सर, वो हमसे अच्छा नहीं बोलती है. She don't kiss, she doesn't. Yes, no sir, she doesn't speak better than us. हम उससे ज्यादा अच्छा बोलते हैं. We speak better than her. Okay, वो हमारी क्लासमेट नहीं है. मैं 2 महीने से इस क्लास का स्टूडेंट हूँ. I have been a student for 2. मैं 2 महीने से इस क्लास का स्टूडेंट हूँ. देखो, जब आप बैठे हैं ना, एक सेकंड, जब आप पता है पूरी तरह से फोकस जो के ट्रांसलेट करोगे तो आप गलती नहीं करोगे. जैसे मैं इस क्लास का स्टूडेंट हूँ, इसका इंग्लिश क्या होता है? आई एम स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास. यही होता है. Yes, अरे होता है कि नहीं? Yes, होता है ना. अब मैं इस क्लास का स्टूडेंट 2 महीने से हूँ, तो आई हैव बीन स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास फॉर 2 मंथ्स. चलो, गुड क्लैपिंग फॉर दिस बच्चा पार्टी.